देश का एक तबका ऐसा है जो जिसे सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक से ही समझा गया है, जिन्हें कभी डरा कर वोट लिया गया तो कभी बहलाकर, कभी झूठे वादे किए गए तो कभी आसमानी सपने दिखाए गए। इस तबके को सियासत में फुटबॉल बनाकर रख दिया गया, मगर जब इनके हक की बात आती है, इन्हें अधिकार देने की बात आती है तो सभी एक जैसे नजर आते हैं। इन्हें हमेशा उसी हालात में रखने की कोशिश होती है जिस हालात में ये है, ताकि इनके नाम पर सियासत की गुंजाइश कभी खत्म ना हो। सियासत में मुसलमानों की क्या अहमियत है ये समझना हो तो राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों को पढ़िए। कभी आरक्षण, कभी नौकरी, कभी विशेष अधिकार, तो कभी हाईटेक एजुकेशन से लेकर नकद उपहार तक। फेहरिस्त इतनी लंबी है कि अगर वाकई इन वादों में से आधे भी पूरे हो गए होते तो कौम की तस्वीर अलग होती। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि देश में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसे आज तक बुनियादी सुविधाएं तक मयसर नहीं हो पाई हैं। एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसकी हालत दलितों से भी बदतर है। एक बड़ी आबादी ऐसी भी है जिसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बेहद मामूली हक से वंचित रहना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि फिर राजनीतिक जमातें मुसलमानों के नाम पर जो वादे किए उन्हें झूठ ना माना जाए तो क्या कहें, उन्हें धोखा ना कहें तो क्या कहें। जब कांग्रेस की हुकूमत थी, कांग्रेस के दौरे हुकूमत में सच्चर कमेटी बनी और उसकी रिपोर्ट आई, लेकिन आज तक ना ही उस पार्टी ने जिसने ये सच्चर कमेटी बनाई थी ना ही उसने कुछ काम किया और ना उसके बाद किसी और पार्टी ने काम किया। तो मेरा कहना तो यह है कि सच्चर कमेटी इसलिए नहीं बनाई थी कि मुसलमानों की हालत को संवारा जाए, सुधारा जाए, बल्कि सच्चर कमेटी तो इसलिए बनी थी कि ये देखा जाए, कांग्रेस ने इसलिए बनाई थी कि हम ये देखें कि हमने इनको तबाह बर्बाद करने का जो मंसूबा बनाया था उसमें हम कितने कामयाब रहे। दरअसल हिंदुस्तान में वोट की सियासत का सबसे बड़ा मोहरा बन गए मुसलमान। खुद के नेतृत्व की कमी ने जहां मुसलमानों के लिए राजनीतिक विकल्प के दरवाजे हमेशा बंद रखे, तो वहीं दूसरी ओर मुसलमानों के बीच से जो नेता निकले वो भी सियासत की उसी राह के मुलाजिम बन गए जहां से झूठ और फरेब के दरवाजे खुलते हैं, और जो काबिल थे उन्हें सियासी साजिशों ने हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। मुसलमानों को तरक्की के एक्सप्रेसवे से गुजारने के बजाय तंग गलियों के ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजारा गया। सियासी मतलब परस्ती ने मुसलमानों के भीतर खौफ कायम किया जिसे भुनाकर वोटों की फसल सालों से आज तक काटी जा रही है। अपने ही लोग नहीं चाहते कि मुसलमान तालीम के मैदान में आगे बढ़े या फिर मदारिस के ताल्लुक से मदारिस तरक्की करें और उनको वही मौके मिलने चाहिए जो दूसरों को मिल रहे हैं। आप कांग्रेस का दौर ले लीजिए, आप जनता पार्टी का दौर ले लीजिए, आप जनता दल का दौर ले लीजिए या उसके बाद का दौर ले लीजिए, आज तक कौन सी सियासी जमातों ने मुसलमानों के मसाइल को हल किया है सिवाय इसके कि उनको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो। 90 के दौर में मंडल कमंडल युग के बाद अगर देश की सियासत में बड़े बदलाव हुए तो साथ ही सामाजिक मोर्चे पर भी बदलाव कम नहीं रहे। अयोध्या आंदोलन के बाद सांप्रदायिकता की बयार चली थी जिसमें सबने अपने हाथ सेके। शाबानों केस के बाद जो कांग्रेस मुसलमानों के लिए पसंदीदा पार्टी बनती दिख रही थी उसने ट्रैक बदल दिया। क्षेत्रीय सूरमाओं के क्षेत्रीय समीकरणों में मुसलमानों ने अपनी जगह तलाशनी शुरू की। इस दौर में यूपी में अगर मुसलमानों ने मुलायम सिंह यादव को अपना नेता मान लिया तो उधर बिहार में आडवाणी का रथ रोकने वाले लालू प्रसाद यादव मुसलमानों के हीरो बन गए। ऐसा ही अन्य राज्यों में भी हुआ जहां ध्रुवीकरण की सियासत की भेंट चढ़ गए मुसलमान। उस दौर से इस दौर तक दो दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है मगर राजनीति का गणित वही है। 2002 के गुजरात दंगों ने बीजेपी को मुस्लिम वोटों की होड़ से बाहर कर दिया मगर बाकी सबके लिए मुसलमान एक बड़ा वोट बैंक बन गए जिसे साधने के लिए कभी आरक्षण के दावे होते हैं तो कभी सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र कमेटियों की रिपोर्ट लागू करने का लॉलीपॉप दिया जाता है। खैर चलो, उन्होंने ईमानदारी से एक रिपोर्ट जो है उस रिपोर्ट को लेकर के वो आए लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। और कांग्रेस है या उसके बाद अब जो मौजूदा सरकार है, मुझे इस सरकार से भी कहीं ना कहीं शिकायत है कि ईमानदारी से जो काम होना चाहिए था
वो काम अभी तक नहीं हुआ है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। और मैं कहता हूं कि जैसे मोदी जी ने गुजरात में 50 करोड़ रुपए जो है पतंग वालों को दिए, पतंग वाले सारे मुसलमान हैं, और ये कह के नहीं दिए कि मैं मुसलमानों की हेल्प कर रहा हूं, टोकनिज्म में विश्वास नहीं रखते, इस तरह से अगर मदद हो जाए मुसलमानों की। याद करिए साल 2012 का समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र, जिसमें मुसलमानों को 18% आरक्षण देने, निर्दोष मुसलमानों को जेल से रिहा करने, रंगनाथ और सच्चर कमेटी की रिपोर्टों को लागू करने, मुस्लिम बहुल इलाकों में सरकारी संस्थान खोलने, उर्दू माध्यम के स्कूल स्थापित करने और मदरसों में टेक्निकल एजुकेशन के लिए विशेष बजट देने जैसे वादे किए गए थे। मगर असल में इनमें से कितने वादे पूरे हुए, ये कौम खुद तय करेगी। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में भी कुछ इसी तरह के वादे किए थे। देखा देखी कांग्रेस ने भी ओबीसी के कोटे के भीतर मुसलमानों को 4.5% कोटा देने का वादा कर दिया था। जो हालात मुसलमानों के हैं, जिस हालात में वो जिंदगी गुजार रहे हैं, हम तो ये कहते हैं कि उसको देखकर आप रिजर्वेशन दीजिए। हम ये भी नहीं कहते कि आप 50% से ऊपर दीजिए, आप दे ही नहीं सकते, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस है आप उसी के दायरे में रहकर कर सकते हैं, जिस तरह केरल में दिया गया, जिस तरह कर्नाटक में दिया गया, बंगाल में भी दिया गया, आंध्रा में भी दिया गया, और अभी हाल में आप देखिए कि राजस्थान और हरियाणा, वहाँ तो 50% से ज़्यादा का ऐलान कर दिया, लेकिन देने की नियत होनी चाहिए। सवाल उठता है कि आखिर मुसलमान क्यों हर बार ठगा जाता है, हर बार वादों पर यकीन करने को मजबूर होता है, तो इसकी वजह भी कोरी सियासी है। अव्वल तो मुसलमानों के बीच अपने खुद के नेतृत्व का अभाव है, और जो नेतृत्व पैदा भी होता है वो या तो पीस पार्टी बन जाता है या फिर ओवैसी जैसा अतिवादी, जो कुछ वक्त के लिए चमकता है और फिर गायब हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देश का आम मुसलमान तरक्की चाहता है, उसे अपने हालात में बदलाव चाहिए, मजहब के नाम पर चले गए सियासी दांव से उसे कुछ लेना देना नहीं। मगर सियासत को ये मंजूर नहीं, क्योंकि जिस दिन मुसलमान अपने सियासी हक को समझ जाएगा वो वोट बैंक नहीं रह जाएगा। राजनीतिक जमात का यही डर मुसलमानों के हालात बदलने नहीं दे रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। तो बिल्कुल सवाल यही है कि जिस दिन मुसलमान अपने हक की लड़ाई लड़ने लगेगा या फिर वो समझ जाएगा, तो शायद इन राजनीतिक जो लोग होते हैं इनका शिकार नहीं हो पाएगा। लेकिन जो राजनीति के नेता हैं वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर मुसलमानों का जो वो वोट बैंक बने हैं वो कहीं से अलग हो जाए, नहीं तो कैसे कहा जाएगा कि मुसलमान एक वोट बैंक है। इसी पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ फिरोज बख्त है, साथ ही साथ आजमगढ़ से अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। तो बात करते हैं फिरोज जी, सबसे पहला सवाल, मुसलमान वोट बैंक क्यों बन गए? देखिए, चूंकि वोट बैंक की आपने बात की है, माइनॉरिटी की बात की, थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा कि ये जो शब्द है माइनॉरिटी, इसका क्या मतलब है। अकॉर्डिंग टू UN चार्टर, वो लोग माइनॉरिटी होते हैं जो मज़हब उनका अलग से होता है, लैंग्वेज होती है उनकी, अब जैसे मुसलमानों की लैंग्वेज उर्दू है, ठीक है, कल्चर है उनका, एथनिसिटी है, उस पे जो बेस जो लोग होते हैं वो अगर उनकी तादाद जितनी भी है तो वो माइनॉरिटी माने जाते हैं। UN चार्टर का एक इंटरनेशनल एक लॉ है कि अगर इस तरह से लोग हों तो उनको माइनॉरिटी माना जाए। अब आपने बात की है वोट बैंक की, देखिए मुसलमान मैं समझता हूँ, देखिए जो सरकारी आंकड़े हैं वो 17 करोड़ हैं, यहाँ भी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ने सही आंकड़े भी उनके नहीं निकाले हैं। हमारे हिसाब से जो हमने सर्वे किए हुए हैं अपने फ्रेंड्स फॉर एजुकेशन के हिसाब से या मदरसा जामियतुल हिदायत के हिसाब से 20-25 करोड़ मुसलमान हैं, कुछ कहते हैं इससे भी ज़्यादा हैं। अब ये तो एक बहस का मुद्दा ऐसे मैं नहीं बनाना चाहता, लेकिन आपने कहा कि वोट बैंक बना हुआ है, ये बिल्कुल सही बात है। मुसलमानों को वोट बैंक इतने सालों से बना रखा है, ये बड़े अफसोस की बात है। देखिए, अगर इतने बड़े तादाद को, 20-25 करोड़ लोगों को, मैं आपकी बात सरकार की बात मानता हूँ, 17 करोड़ लोगों को अगर एलिनिएट किया जाएगा, मेन स्ट्रीम में नहीं लाया जाएगा, उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएंगी, तो इससे उनका तो नुकसान होगा ही, लेकिन साथ ही साथ देश का भी नुकसान होगा। इतना बड़ा तबका अगर अच्छी तालीम से दूर रहे, अच्छी शिक्षा से दूर रहे, अच्छी नौकरियों से दूर रहे और लीडरशिप का भी उसमें अभाव हो, तो नुकसान तो सबसे पहले देखिए देश का होगा।
तो अब मैं आता हूँ मेन जो वोट बैंक की बात है। देखिए चाहे देखिए 60 साल से कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखा। पंडित नेहरू हालांकि बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े नेता थे, हम उनकी बड़ी रिगार्ड करते हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा कि हम उर्दू के लिए कुछ करेंगे, मुस्लिम्स के कुछ करेंगे, उनके इलाकों में अच्छे इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज़ादी से पहले जितने उर्दू माध्यम स्कूल थे दिल्ली में, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, 17-18 थे, अभी उतने ही हैं, नहीं बढ़े। तो मुस्लिम एरियाज में इन्होंने बजाय स्कूल बनाने के थाने बना दिए। इसका मतलब यह है कि आप ये चाहते हैं कि ये लोग आगे नहीं बढ़ें और ये अपने पीछे रहें, स्टैगनेटेड रहें, जिसकी वजह से आप इनके वोट कभी डरा के। कांग्रेस ने क्या किया पिछले 60 साल, वो मुसलमानों को आरएसएस से, संघ परिवार से, बीजेपी वगैरह से डराती रही और उनके वोटों का इस्तेमाल करती रही, एक्सप्लॉइट उनको करती रही। इससे मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। वो बिल्कुल उनके जो नेता हैं, मुसलमानों के जो वोट हैं, हर इलेक्शन के अंदर उनकी झोली में डाल देते थे, लेकिन जो वायदे उनसे किए जाते थे, हम आपको अच्छे स्कूल देंगे, हम आपको अच्छी सर्विस देंगे, हम आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले देंगे, वो वायदे कभी आज तक वफा नहीं हुए। वो चाहते ही नहीं है कि जो वादे हैं वो पूरा हो, बस एक गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। दीपाली, वो ये चाहते हैं, ये लोग ये चाहते हैं जो पॉलिटिशियंस हैं, कि मुसलमान को हम बदले में कुछ अच्छा गवर्नेंस नहीं दें, लेकिन इसके वोट से हम सत्ता का सुख भोगते रहें। बिल्कुल, इसके वोट से सत्ता का सुख भोगते रहें, यही मंशा रहती है, जिसकी वजह से तरक्की नहीं हो पाती है यहाँ पर मुसलमानों की। आजमगढ़ का रुख करते हैं, अमित यहाँ पर मुलायम सिंह का संसदीय क्षेत्र है। वादे भी बहुत किए गए समाजवादी पार्टी की तरफ से कि हम इतनी सुविधा देंगे, तमाम जो मैनिफेस्टो में बहुत सारे वादे किए गए थे लेकिन वो पूरे नहीं हुए। ऐसे में क्या कहा जाए, सिर्फ वोट बैंक ही है मुसलमान, बस और कुछ नहीं? देखिए अभी फिरोज साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बता रहे थे पिछले 68 सालों का डेवलपमेंट, और मुझे एकाएक साहिर याद आ गए, साहिर लुधियानवी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने उन्होंने उन पर कमेंट करते हुए कहा था कि उर्दू पे सितम ढा के गालिब पर करम क्यों है। तो निश्चित रूप से चूँकि आजमगढ़ मुलायम सिंह यादव का संसदीय क्षेत्र है, समाजवादी पार्टी की सरकार है और तमाम लोग शिबली कॉलेज में हम मौजूद हैं, शिबली कॉलेज के स्टाफ और छात्र यहाँ से हैं, मुझे ये बताइए, शिबली नेशनल कॉलेज का अपना एक रुतबा है, अपना इसका एक मकाम है, आप वीवीआईपी संसदीय क्षेत्र के लोग हैं, 68 सालों से एक वोट बैंक से ज्यादा मुसलमानों को समझा नहीं गया। आजमगढ़ के कंटेक्स्ट में हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या मिला आजमगढ़ के लोगों को? आजमगढ़ के लोगों को जब से मुलायम सिंह सांसद हुए हैं वही कुछ दे पाए हैं, बगिया और इससे पहले कोई कुछ नहीं दे पाया था। और 68 सालों में मैं समाजवादी पार्टी से कहना चाहता हूं कि आप बेवकूफ मत बनाइए मुसलमानों को, कि आप कहते हैं हम 13.5% आरक्षण देंगे, इससे पहले 18% दिए, आप कह रहे हैं 13.5% देंगे, बुनकरों की अब माफ़ करेंगे बिजली, आप 4 साल पहले क्यों नहीं सोचे? चुनाव का मौसम आया है तो चुनाव का मौसम आते ही आप लालीपाप देना शुरू कर देते हैं कि हम ये करेंगे। 2012 का चुनाव जो हुआ था, इससे पहले शिबली कॉलेज में अखिलेश और माननीय मुख्यमंत्री जी यहीं से अपना कैंपेन किए चुनाव, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कैंपेन यहाँ से शुरुआत की गई। और यहाँ पर मुझे एक कमेंट और ले लेते हैं, यहाँ के जो छात्र हैं वो क्या सोचते हैं, वो किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं और राजनीतिक पार्टियाँ उनको क्या समझ रही हैं, आप क्या विचार रखती हैं? यहाँ पे जो छात्र संगठन है वो अलग अलग तरह से हैं, यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं, छात्र संघ है, एबीवीपी है हमारा, एनयूसीआई है, ऐसे छात्रों जो जुड़े हुए हैं संगठनों से, वो तो अपनी पार्टी को लेके चल रहे हैं, उनसे ये नहीं है कि माइनॉरिटी आया या नहीं आया। अभी मुलायम सिंह की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ सठिया मिल जो चलाया गया चुनाव से पहले, ये भी एक तरह से कहा गया कि मिल बनाई गई है तो वोट इसके आधार पर मिलेगा। और अभी शिबली कॉलेज को भी 5 करोड़ दिया गया था, इसके पे बवाल था, तो अभी मुलायम सिंह ने थोड़ा बहुत किया भी है, बाकी अदरवाइज अमित ने मुझे एक चीज बताइए, बदलाव क्या हुआ है, और बदलाव क्या हुआ है, आप बताइए, आजमगढ़ से हैं आप, क्या बदला यहाँ? सर सबसे पहले तो मैं यहाँ के छात्रों को एक संगठन बनाने के लिए कहूँगा, जो आजमगढ़ की मंडल की आबादी लगभग 40 लाख से ऊपर है और इस जनपद में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना बहुत ही अति आवश्यक है। नहीं तो क्यों नहीं हुई, आप लोगों ने कहा नहीं क्या? शिबली
निकाले। नहीं सर, हमारी तो मांग हो रही है, लेकिन मैं मुलायम सिंह यादव अपनी बात बचाना चाहता हूँ कि जितनी भी स्कीमें और जितनी भी मतलब ये लॉलीपॉप हमें थमाए जा रहे हैं कि ये किया वो किया, मैं समझता हूँ कि हमें कुछ नहीं मिला। जैसे मुबारकपुर में बुनकरों का मसला, तो जितनी भी सरकारी योजनाएं आती हैं वो बुनकर समितियों के माध्यम से चंद बिचौलिए खा जाते हैं। बैंक के मैनेजर मिले तो हुए ये हैं। तो बहुत पुरानी बात हो गई कि बैंक वाले पैसा खा जाते हैं, बुनकर क्रेडिट कार्ड जो चलाया गया उसका लाभ गरीब बुनकरों को नहीं मिलता है, तो फिर वही बात शुरू हो गई। हमने मुलायम सिंह कोर्ट इसलिए दिया था कि हमारी समस्याओं का निदान होगा, हल होगा, लेकिन इस मौजूदा सरकार ने हमारी किसी समस्या नहीं, किस सरकार ने आपको समझा? मान लीजिए इस सरकार ने समझा, किसी सरकार ने समझा आपको? हमें किसी सरकार ने, और जहां तक नेता बनने की बात है, मैं समझता हूं कि मुलायम सिंह आरक्षण बिल्कुल हमें कह सकते हैं बहुत भरोसे से यहां पर जो वोट दिया गया था, यहां पर सपा को बहुत भरोसा था यहां पर अल्पसंख्यकों को कि शायद उनके आने के बाद कुछ तो तस्वीर बदलेगी, लेकिन हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं। फिर सवाल घूम फिर कर वहीं पर आ जाता है कि आखिर क्यों वोट बैंक है मसलबा। देवबंद से अनुराग जुड़ चुके हैं। अनुराग, यहां पर राजनीतिक इच्छा शक्ति तो दिखती नहीं है यहां पर, और कौन कौन जिम्मेदार है यहां पर इनकी तरक्की के आड़े? जी दीपाली, देखिए जो पश्चिमी यूपी है यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक बहुत ज्यादा है, तो निश्चित तौर पर जो भी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति पार्टियां करती हैं उन सभी की निगाहें यहाँ पर लगी रहती हैं। तो मुस्लिमों को दिखाया जाता है कि जो तमाम राजनीतिक दल के नेता हैं वो बड़े खास उनके हैं और चुनावों के समय में बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। अगर हम 2012 के चुनावों की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया था, एक तो मुस्लिम रिजर्वेशन का, और दूसरा ऐलान उनका ये था कि जो मुस्लिमों के मुस्लिम युवक हैं जो निर्दोष जेल में बंद हैं उनको वो छुड़वाने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो मुस्लिम एजुकेशन है, मदरसों की संख्या बढ़ाई जाएगी, मदरसों को आधुनिक बनाया जाएगा ताकि जो गरीब बच्चे हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं उनको अच्छी एजुकेशन मिल सके। लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल इसके अलग है। अभी कुछ देर पहले मैंने दारुल उलूम के कई छात्रों से यहाँ पर बात की थी, कई मौलानाओं से बात की थी, तो सभी ने कहा कि जो मुसलमान हैं उनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए होता है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको ये दिखाती है कि वो उनके लिए बड़ी खास हैं, उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। हमारे साथ देवबंद दारुल उलूम के एक मौलाना साहब हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि अगर हम मुस्लिम वोटों की सियासत देखें तो किस तरह से सियासत में मुस्लिमों का इस्तेमाल हो रहा है, और आप लोग भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आपके पास विकल्प क्या बचा है? नहीं, हमारे पास जो है कोई विकल्प नहीं है, यही दो चार पार्टी हैं जिनको हम अदल बदल करते रहते हैं। अभी 2012 में जैसे आपने कहा कि एक पार्टी ने हमें बहुत ही अच्छे हमसे वादे किए, एक वादा तो उनका यह था कि हम रिजर्वेशन देंगे मुसलमानों को मुलाजमतों में, दूसरा उनका वादा यह था कि जितने भी बेगुनाह हमारे नौजवान पकड़े हुए हैं जेलों में बंद हैं उनको वो आज़ाद करेंगे, रिहा करेंगे। तो लेकिन इनमें से किसी भी वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया। अब हमारे पास अब दूसरा रास्ता है, अब हम किसी दूसरी पार्टी को चुनेंगे, तो यही होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक पार्टी वादा पूरा नहीं करती तो दूसरी पार्टी पर आप लोग जाते हैं, लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? कुछ इस तरह की बात भी आती है समय समय पर आपकी कौम में कि एक जो मुस्लिम है उनको एक अलग से राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरना होगा, तो इस पर आप लोगों का किस तरह का विचार है, और क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में एक मुस्लिम अलग राजनीतिक शक्ति के रूप में आ जाएंगे? नहीं, ऐसा तो मुश्किल मालूम होता है। जब हम लोगों को असल में जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं उनके साथ ही मिलकर लड़ना चाहिए। ये अलग बात है कि हम अपना वजन साबित करें और उनसे कुछ सीटें वगैरह उनसे ले लें, कोई इस तरह की कोई बात हो। लेकिन अब जैसे आसाम में हुआ, नहीं हो सका। इससे पहले जो आसाम में चुनाव हुए थे 5 साल पहले, तो हमारे मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी जो है कांग्रेस से अलायंस किया। बिल्कुल अनुराग, ये कह सकते हैं यहाँ पर ये तो जो अलग पार्टी की बात की जा रही, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मुसलमानों के बीच अपने खुद के नेतृत्व का भी अभाव है, ये भी कारण है। जो नेता है वो खुद भी अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं कर पाए हैं, वो खुद अपने आप में सियासत में उलझे रहते हैं, और उन्हीं की जो कौम है वो तरक्की उनकी तरक्की नहीं हो पाती है। फिरोज जी, जिस तरीके से तरक्की की बात की जा रही है, इतनी कमेटियां बनी उसके बावजूद उस कमेटी का कोई हल नहीं निकला, क्या लगता है यही वजह है? जो आपके पास आंकड़े भी हैं वो भी यही जता रहे हैं कहीं ना कहीं सरकारी आंकड़े। हाँ दीपाली, आपने बड़ा जरूरी सवाल मुझसे पूछ लिया। देखिए, जितनी कमेटियां बनाई जाती हैं सब दिखावे की होती हैं, कागजी खाना पूरी होती है, और इसमें सही मानों में जैसे शुरू में शाह इमाम बुखारी साहब भी यही कह रहे थे कि जो सच्चर कमेटी बनाई कांग्रेस ने, इसका मकसद ये था कि आप देखिए कितना पिछड़ा हुआ है मुसलमान, जो नियो बुद्धिस्ट हैं तकरीबन उतना ही पिछड़ा हुआ है, तो आप उसको एक्टिवेट कीजिए, कार्यान्वित कीजिए। जो जो चीज़ें आपको रिसर्च करके पता चली हैं वो कुछ नहीं हुआ। खैर, बस रिपोर्ट आ गई, किसी सरकार ने उस पर कुछ नहीं किया। मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। सरकारी दफ्तरों का एक सर्वे किया था जयपुर से, मदरसा जामियतुल हिदाया है इन लोगों ने,
तो उसमें बताते हैं कि प्रेसिडेंट हाउस में जो 38 ऑफिसर हैं, मेन जो ऑफिसर हैं, उनमें से सिर्फ एक मुस्लिम है। पीएमओ में जो 16 इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं उसमें भी एक मुस्लिम है। इसके अलावा आप आइए, मैं कुछ दो तीन मिनिस्ट्रीज़ का और बता दूंगा आपको। कॉमर्स मिनिस्ट्री में 41 ऑफिसर्स हैं, उसमें से एक मुस्लिम है। यूपीएससी जैसा जो इदारा है, बहुत इम्पॉर्टेंट इदारा है, वहाँ 18 में से एक मुसलमान है। और उसी तरह से आप आ जाइए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड यूथ अफेयर्स, 12 ऑफिसर्स में से 0 मुस्लिम है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और बीएसएफ, सीआरपीएफ और इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी जो परसेंटेज है मुसलमानों का, वो 0 है। या तो उन पे भरोसा नहीं किया जाता, उनको उन पे एतबार नहीं करते क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में अलबत्ता 46 ऑफिसर्स में से एक मुस्लिम है। टोटल मैं बता रहा हूँ 1381 जो सरकारी ऑफिसर्स हैं अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ मदरसा जामियतुल हिदाया रामगढ़ जयपुर, सिर्फ 22 ऑफिसर्स मुस्लिम हैं। तो ये परसेंटेज मेरे ख्याल से 1.5 है, 2 भी नहीं है। तो बिल्कुल ये समझने के लिए कि बहुत जरूरी है कि कहां पर हैं ये मुस्लिम जी। बिल्कुल, अब आजमगढ़ का रुख करते हैं। अमित, सज्जर कमेटी की जो रिपोर्ट है, जो उसको लागू करने की बात हो रही थी लेकिन वो लागू नहीं हो पाया, ऐसे में वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल बिल्कुल, तमाम लोग हैं, ये सवाल हम ले लेते हैं। दो कमेटियों का बड़ा जिक्र होता है। अभी हमारे साथ एक बहुत बड़े एकेडमिशन जुड़े हुए हैं, फिरोज साहब, वो बता रहे थे कि केंद्रीय सेवाओं में मुसलमानों की सहभागिता कितनी है, बिल्कुल नगण्य है। दो कमेटियों का गठन किया गया था, एक जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी और एक रंगनाथ मिश्रा कमेटी। बड़ी चर्चाएं हुई लेकिन कभी इस पर आगे कोई सरकार बढ़ नहीं पाई। आपको क्या लगता है कमेटियों का गठन होता क्यों है? मेरे समझ से कमेटियों का गठन सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए होता है। कमेटी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है, कांग्रेस हमेशा कमेटी बनाती लेकिन उस पर लागू नहीं होती है, सिफारिशें लागू नहीं होती है कि उस पर क्या कमियां हैं, मुसलमान कितने दलित से नीचे चले गए, लागू नहीं होते, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए। यहां यूपी में शिबली नेशनल कॉलेज की ये सवाल हम इन्हीं से ले लेते हैं कि सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी, इन तमाम कमेटियों का जिक्र उत्तर प्रदेश सरकार भी करती है। आप 4 साल हो गया, आपने अब तक क्या किया? अब एकाएक आप कह रहे हैं कि हम रिजर्वेशन फिर से देंगे। रिजर्वेशन की बात करते हैं और ये कमेटियां बना बना के जिस तरह सर ने कहा कि बेवकूफ़ बनाते हैं, ये तो सही है कि कमेटियां बनती है, उस पर कार्रवाई कुछ कोई काम ही नहीं होता है। सिर्फ कमेटी बना करके उसमें माइनॉरिटी के नाम से बन भी जाती है तो माइनॉरिटी उसमें रहता नहीं है, तो ऐसी कमेटियां बनाने का क्या मतलब जिसमें माइनॉरिटी ही ना रहे, माइनॉरिटी के नाम से बना। तो मुझे ये बताइए, यही बात है कि यहाँ पर कमेटियों की सिफारिशों को लागू करने की बात आती है तो कोई भी पार्टी हो उसे लागू नहीं करती, सिर्फ उनकी बातें जरूर होती हैं।